हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीसा ब्यूटीज। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको लगाने से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या मानसून का हो। इसे बनाने के लिए हमने लिया है ग्लिसरीन। ये आपको आसानी से केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। इसे मैंने 50 रुपये में परचेस किया है। ये आपको कहीं भी 40 से 60 रुपये के अंदर में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन को अंदर से जाकर क्लीन करता है तथा नरिश प्रदान करता है। हमें ग्लिसरीन को बस आधे में आधा चम्मच लेना है, 1/4 टीस्पून। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन का उपयोग करना बहुत ही सेफ है। और अब मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है गुलाब जल हमारे स्किन को टोनर की तरह काम करता है, हमारे स्किन को क्लीन करता है, एक क्लींजर की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गुलाब जल डाला है ग्लिसरीन में। गुलाब जल का इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे पे रिंकल नहीं आती है, जो समय से पहले हमारे चेहरे पे झुर्री आ जाती है, उसे नहीं होने देता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। गाइस, बेसन के फायदे के बारे में आपसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेसन शुरू से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लिया है। इससे तीनों चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से मिला दिया है। होम रेमेडी की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ऑयली स्किन वाले किसी के भी स्किन पे ये सूटेबल है। इसको आपको अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर इसे फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करके इसे ठंडे पानी से धो देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और डिसलाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे